गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ सुष्मिता फ्रॉम हाजीपुर. आई एम पारामेडिकल ट्यूटर इन GS पारामेडिकल कॉलेज हाजीपुर. तो फ्रेंड्स, हम लोगों का ये OBG इंस्ट्रूमेंट का थर्ड वीडियो है. दो वीडियो जो है पहले से यूट्यूब पे अपलोडेड हैं. तो फर्स्ट हम लोग जो है OBG का ढेर सारा इंस्ट्रूमेंट जो है हम लोग पढ़ लिए हैं, और ये हमारा OBG इंस्ट्रूमेंट का लास्ट वीडियो है. तो OBG इंस्ट्रूमेंट में बस कुछ ही इंस्ट्रूमेंट का जो है इंट्रोडक्शन बाकी था. तो सबसे पहले जो है OBG इंस्ट्रूमेंट में हम लोग देखते हैं क्या देखना है OBG इंस्ट्रूमेंट में. तो सबसे पहले जो है OBG इंस्ट्रूमेंट में ऑब्स्टिकल फॉरसेप मीन्स, कहने का ही अर्थ होता है ऑब्स्ट्रिक मीन्स होता है प्रसूति. तो प्रसूति में जो यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट उसको कहते हैं ऑब्स्टिकल फॉरसेप. ठीक है, तो ऑब्स्टिकल फॉरसेप जो है उसका यूज क्यों किया जाता है ये हम लोग देखते हैं. तो ऑब्स्टिकल फॉरसेप इट इज यूज इन द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड. ये जो है क्यों किया जाता है यूज, बेबी को जन्म देने में इसका जो है, बेबी जब डिलीवर होती है या होता है उस टाइम जो है वजाइनल वॉल को उसको ओपन करने में इसका ऑब्स्टिकल फॉरसेप इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लिया जाता है. इन द प्रोसीजर ऑफ वजाइनल फॉरसेप डिलीवरी, ये जो है अधिकांशतः तब यूज होता है जब जो है बेबी नॉर्मल डिलीवरी में हो, वजाइना के थ्रू बेबी आउट हो रहा हो, उस टाइम जो है ऑब्स्टिकल फॉरसेप इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है. एक बार इसको और हम समझ लेते हैं. ऑब्स्टिकल फॉरसेप, ऑब्स्टिक मीन्स होता है प्रसूति, यानी कि बच्चे जनने की क्रिया को कहते हैं प्रसूति. ठीक है, प्रसूति टाइम उसी को बोलते हैं डिलीवरी पीरियड. तो ऑब्स्टिकल फॉरसेप इट इज यूज इन द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड इन द प्रोसीजर ऑफ वजाइनल फॉरसेप डिलीवरी. ये जो है ऑब्स्टिकल फॉरसेप का यूज जो है बच्चे जब जन्म लेते हैं वजाइना के थ्रू उस टाइम जो है वजाइनल वॉल को ओपन करने में जो है इसका हेल्प लिया जाता है. यानी कि बच्चे की डिलीवरी के टाइम जो है ऑब्स्टिकल फॉरसेप का यूज हम लोग करते हैं. तो फर्स्ट हम लोग ऑब्स्टिकल फॉरसेप जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. दूसरा हम लोग देखते हैं ग्रीन आर्मी टैग यूट्राइन फॉरसेप. तो इससे जो है, इसके नाम से ही जो है ये क्लियर हो जाता है जो ये जो है यूट्राइन फॉरसेप है. ठीक है, यूट्राइन फॉरसेप है. तो इसका यूज जो है हम लोग कब करते हैं, यूज इन सिजीरियन सेक्शन ऑपरेशन फॉर क्लैंपिंग द इगेस ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट टू अरेस्ट द ब्लीडिंग. क्या होता है, ये ग्रीन आर्मी टैग यूट्राइन फॉरसेप जो है अपना रोल तब प्ले करता है जब जो है क्लैंपिंग करना होता है. क्लैंपिंग मतलब जैसे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा फ्लो में हो रहा हो, है ना. तो ब्लीडिंग जब बहुत ज़्यादा फ्लो में हो रहा हो तो उसको रोकने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है. तो यही जो है ग्रीन आर्मी टैग यूट्राइन फॉरसेप जो है वो क्लैंप करने का वर्क करता है. मतलब एक दूसरे को बांध देता है, जैसे ये वेन है इसको बीच से दबा देगा ताकि इधर का ब्लड इधर ना जाए, इधर का ब्लड इधर ना जाए, और वो बाहर निकलने से वो उसको बचा सके. तो सेगमेंट जब अरेस्ट होता है यानी कि ब्लड फ्लो जब ज़्यादा होने लगता है या बंद हो जाता है तब जो है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए जो है ग्रीन आर्मी टैग यूट्राइन फॉरसेप का यूज़ किया जाता है. एक बार और हम लोग इसको देख ले रहे हैं.
ग्रीन आर्मी टैग यूट्राइन फोरसेप यूज इन सिजीरियन सेक्शन ऑपरेशंस, यानी कि जब भी सिजीरियन सेक्शन वाले बेबी, यानी कि जब भी बेबी का कंडीशन सिजीरियन सेक्शन से डिलीवर होने का है, तब जो है ग्रीन आर्मी टैग यूट्राइन फोरसेप का यूज हम लोग करते हैं। उस टाइम क्या होता है, ब्लीडिंग कट लगता है, तो ऑब्वियसली वेन्स वगैरह जो हैं वहाँ से ब्लड जो है वो ज़्यादा फ्लो होने लगते हैं, तो उसको क्लैम्प करने के लिए कुछ चाहिए होता है। क्लैम्प करने के लिए जो है ग्रीन आर्मी टैग यूट्राइन फोरसेप का यूज़ किया जाता है। कहाँ किया जाता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ठीक है, इसका जो यूज़ है वो किया जाता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, ठीक है। अब है इंडोमेट्रियम बायोप्सी क्यूरिटी, क्यूरिटी यानी कि साफ सफाई, यूज इन ऑब्टेनिंग इंडोमेट्रियम क्यूरिटी फॉर द बायोप्सी। बायोप्सी के टाइम इंडोमेट्रियम वॉल को क्लियर करने के लिए जो है इंडोमेट्रियम बायोप्सी क्यूरिटी इंस्ट्रूमेंट की नीड होती है। एक बार और इसको हम लोग देख लेते हैं, इंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरिटी, तो क्यूरिटी मींस होता है साफ सफाई। तो जब भी जो है इंडोमेट्रियम के वॉल को हम लोगों को क्लियर करना होता है, तब जो है इंडोमेट्रियम बायोप्सी क्यूरिटी इंस्ट्रूमेंट की नीड होती है। अब जो है यहाँ पे हम लोग फोर्थ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सर्वाइकल बायोप्सी फोरसेप। सर्विक्स का जब बायोप्सी होता है तो उस टाइम जो है सर्वाइकल बायोप्सी फोरसेप का यूज किया जाता है। यूज फॉर द सर्वाइकल बायोप्सी, सर्विक्स का जब बायोप्सी होता है उस टाइम जो है सर्वाइकल बायोप्सी फोरसेप का यूज किया जाता है। अब लास्ट है पॉलीपस फोरसेप्स, यूज्ड इन रिमूविंग द पॉलीपस। जैसे पॉलीपस मींस क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो है कट मार्क्स लगा, उसके बाद जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा स्किन इस टाइप का जो है गांठ टाइप का उभर आता है ना, गांठ टाइप का उभर आता है, तो इसी चीज को कहते हैं पॉलीपस। यही जो है वो क्या हो गया, पॉलीपस। अब इसी पॉलीपस को रिमूव करने के लिए इसके कटर को कहते हैं पॉलीपस फोरसेप। तो पॉलीपस फोरसेप का यूज आफ्टर ऑपरेशन, जब हमारे उंड में पॉलीपस आ जाए तो उसको कट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए पॉलीपस फोरसेप का यूज किया जाता है। तो पॉलीपस फोरसेप भी जो है वो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पॉलीपस फोरसेप क्या होता है। एक बार और हम लोग देख लेते हैं ऑब्स्ट्रैक्टिकल फोरसेप, इसका यूज जो है, ऑब्स्ट्रैक्टिकल फोरसेप का यूज जो है वो कब करते हैं, जब भी वजाइना से बेबी आउट होता है उस टाइम वजाइनल वॉल को ओपन करने के लिए ऑब्स्ट्रैक्टिकल फोरसेप इंस्ट्रूमेंट का जरूरत होता है। दूसरा है ग्रीन आर्मी टैग यूट्राइन फोरसेप, तो इसका जो नीड होता है वो क्लैंपिंग में किया जाता है। जैसे ब्लड जो है फ्लो में हैमरेज हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, उस टाइम जो है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन आर्मी टैग यूट्राइन फोरसेप का जरूरत होता है, ताकि ब्लड को कंट्रोल कर सके, ब्लड फ्लो होने से हम लोग रोक सके, उसको जो है क्लैंप कर सके, यानी कि बीच से होल्ड कर सके वेन को जहां से ब्लड का फ्लो है। दूसरा है इंडोमेट्रियम बायोप्सी क्यूरिटी,
तो इसका यूज जो है ऑब्टेनिंग इंडोमेट्रियम क्यूरिटी फॉर द बायोप्सी, बायोप्सी के टाइम इंडोमेट्रियम वॉल के क्यूरिटी में इसका वर्क होता है। दूसरा है सर्वाइकल बायोप्सी फॉरसेप, तो इसका जो है सर्विक्स का जब बायोप्सी होता है, सर्विक्स का जब बायोप्सी होता है उस टाइम जो है इसका यूज किया जाता है सर्वाइकल बायोप्सी फॉरसेप का। तीसरा है, लास्ट नंबर है पॉलिपस फॉरसेप, तो पॉलिपस फॉरसेप का यूज जो है रिमूविंग द पॉलिपस, यानी कि जैसे ही सीजीरियन सेक्शन के टाइम जो है उसके कुछ दिन बाद वहाँ पे जो है गांच टाइप का बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं पॉलिपस। तो उसके कटिंग में जो है, उसको रिमूव करने में जो है पॉलिपस फॉरसेप का यूज़ किया जाता है। तो आज हम लोग जो है ऑब्स्टिक एंड गायनकोलॉजी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जो है ऑप्टिकल फॉरसेप पढ़ लिए, ग्रीन आर्मी टैग यूट्राइन फॉरसेप पढ़ लिए, इंडोमेट्रिन बायोप्सी क्यूरिटी पढ़ लिए, सर्वाइकल बायोप्सी फॉरसेप को देख लिए और पॉलिपस फॉरसेप को हम लोगों ने देखा। अगर आप लोगों को ये पांच इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।